हेलो एवरीवन, टीचिंग बेलसी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं और आपको बताते चलें कि जो कंटेंट रहने वाला है आज के इस वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, वैक्सीन, ग्राफ्टिंग, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिजीज, कॉमन ह्यूमन डिजीज, एड्स, कैंसर, ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़। ओके, तो सबसे पहले हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को पढ़ने से पहले हम कुछ साइंटिस्टों के नाम जानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। ठीक है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये एक स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट थे, फार्माकोलॉजिस्ट भी थे और एक अच्छे बॉटनिस्ट भी इनको कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने लाइसोजाइम को डिस्कवर किया था और जो बेंजाइल पेंसिलिन है, पेंसिलिन जी, फ्रॉम कहाँ से, पेंसिलियम नोटेटम इन 1928, तो इसको भी इन्होंने जो है तैयार किया था। तो उस वजह से इनको फिजियोलॉजी और मेडिसिंस के अंदर इनको एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1945 में। ठीक है, उसके बाद नाम जो आता है इम्पॉर्टेंट वो है एडवर्ड जेनर का। और एडवर्ड जेनर जो है ये एक इंग्लिश फिजिशियन और साइंटिस्ट थे और इन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है इन्हीं की देन है, और जो वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन जो है वो एडवर्ड जेनर ने ही दिए थे। ठीक है ना, तो इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। उसके बाद नाम आता है फादर ऑफ क्लिनिकल आस्कुलेशन, ओरेनी लेनी। ठीक है, ये एक इन्होंने इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न स्टेथोस्कोप, मॉडर्न स्टेथोस्कोप को एडमिट करने वाले कौन थे, ओरेनी लेनिंस। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे इसलिए हम लेकर आए थे आपके लिए। अब हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है जो इंटरफेरॉन होता है वो क्या होता है, इंटरफेरॉन क्या करते हैं। देखो, जो इंटरफेरॉन होता है उसका काम होता है स्टिमुलेट्स द ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। टिप, टिप के फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, ये स्टिमुलेट करता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है, देखो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो बॉडी जो है वो स्किन एंड अ म्यूकस मेम्ब्रेन को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बॉडी कौन है, तो स्किन एंड म्यूकस है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है, फीवर जो होता है ये भी नहीं है, इंटरफेरॉन भी नहीं है। ठीक, एंटीजन इज, एंटीजन क्या होता है, एंटीजन होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टिमुलेटिंग एजेंट। क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टिमुलेटिंग एजेंट होता है एंटीजन। एंटीजन वो सब्सटेंस नहीं होता है जो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ विनोम। ठीक है, एंटीजन वैक्सीन नहीं होती है, एंटीजन पार्ट ऑफ द बॉडी डिफेंस सिस्टम नहीं होता है, एंटीजन होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टिमुलेटिंग एजेंट। यहां पे हमें बताना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन और फैगोसाइटोसिस। आपके सामने है ऑप्शंस, जैसे यहाँ पे है वैसोडिलेशन के बाद आता है डायबिटिस, एडिशन, कीमोटैक्सिस, फैगोसाइटोसिस। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है वैसोडिलेशन, एडिशन, डायबिटिस, कीमोटैक्सिस, फैगोसाइटोसिस। तो इसमें आप एक चीज़ जो है याद रख सकते हैं वो है VADCP। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा वैसोडिलेशन, एडिशन, डायबिटिस, कीमोटैक्सिस एंड फैगोसाइटोसिस। ठीक है, ये जो है ये करेक्ट सीक्वेंस है। अगर हम बात करें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है इज प्रोवाइडेड बाय, ये किस से प्रोवाइड होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये होती है थाइमस सेल्स और थाइमोसाइट्स। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है इज प्रोवाइडेड बाय थाइमस सेल्स और थाइमोसाइट्स।
विच इज ए प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जो नीचे दिया गया है इसमें बताना है आपको कौन सा जो है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो देखो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आता है आपका थाइमस ग्लैंड और बोन मैरो। क्या आता है? थाइमस ग्लैंड और बोन मैरो जो है ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर आता है। कौन सा एंटीबॉडी है जो जिसे हम कहते हैं सेक्रेटरी एंटीबॉडीज? सेक्रेटरी एंटीबॉडीज में आता है आईजीए। कौन सा आता है? आईजीए। नेट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर इम्पॉर्टेंट सेल पार्टिसिपेटिंग इन। अब जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं या फिर मोनोसाइट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट सेल्स पार्टिसिपेटिंग इन कहाँ पर होते हैं? ये पार्टिसिपेट करते हैं ये फैगोसाइटोसिस के अंदर, ये पार्टिसिपेट करते हैं। ये परफोरिन प्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। ये पैसिव इम्यूनिटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन है, इम्यून सिस्टम रिटेन्स द मेमोरी ऑफ विच रिस्पॉन्स इन वैक्सीनेशन प्रोसेस। क्या क्वेश्चन है? जो इम्यून सिस्टम होता है वो रिटेन करता है मेमोरी ऑफ विच रिस्पॉन्स इन वैक्सीनेशन प्रोसेस। तो इसका आंसर आएगा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। क्या आएगा? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इसका करेक्ट आंसर आएगा। एट द टाइम ऑफ बर्थ, क्या है? एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंस ऑफ विच एंटीबॉडी इंडिकेट्स द इन्फेक्शन ऑफ फ्यूटस, इंट्रा यूटरीन इन्फेक्शन। तो वो होता है आईजीएम। क्या होता है? आईजीएम। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एट द टाइम ऑफ बर्थ कौन सा एंटीबॉडी जो है वो इन्फेक्शन ऑफ फोटिस का प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, तो वो होता है आईजीएम। नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी। नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी वो होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। क्लोस्ट्रोम जो होता है, जो फर्स्ट मिल्क सिक्रेशन होता है मेमरी ग्लैंड का, उसके अंदर कौन सा अमीनो ग्लोबुलिन जो होता है वो रिच होता है? वो होता है आईजीए। कौन सा होता है? आईजीए। तो जो क्लोस्ट्रोम होता है फर्स्ट मिल्क ऑफ सिक्रेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड, तो उसके अंदर पूछा जाए कौन सा अमीनो ग्लोबुलिन जो होता है वो रिच होता है, वो होता है आईजीए। इन एंटीबॉडी इज ए, एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी की बात करें, एंटीबॉडी एक मॉलिक्यूल होता है जो स्पेसिफिकली रिएक्ट करता है टू एन एंटीजन, उसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ थाइमस ऑफ ए न्यू बर्न शेल रिजल्ट इन फेलियर टू मैच्योर, वो होता है टी लैम्पोसाइट्स। क्या होता है? टी लैम्पोसाइट। सर्जिकल रिमूवल ऑफ थाइमस ऑफ न्यू बर्न शेल रिजल्ट इन फेलियर टू मैच्योर, लैम्फोसाइट्स। सबस्टेंसेस दैट रेगुलेट या फिर कोऑर्डिनेट अदर लिकोसाइट्स आर कॉल्ड, उनको हम कहते हैं साइटोकाइन, ठीक है ना। साइटोकाइन किसे कहा जाता है? सबस्टेंस जो रेगुलेट या कोऑर्डिनेट करें अदर लिकोसाइट, उसे हम कहते हैं साइटोकाइन। वैक्सीनेशन इज ए पार्ट ऑफ, वैक्सीनेशन किसका पार्ट है? वैक्सीनेशन की बात करें, वैक्सीनेशन इज ए पार्ट ऑफ प्रोफाइलेक्सिस। वैक्सीनेशन जो होता है ये पार्ट होता है प्रोफाइलेक्सिस। वैक्सीनेशन यहाँ पे ट्रीटमेंट है, बहुत से बच्चे कहेंगे शायद ट्रीटमेंट का पार्ट होता है, शायद डायग्नोसिस का पार्ट होता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन का पार्ट होता है, बट वैक्सीनेशन जो होता है ये प्रोफाइलेक्सिस का पार्ट होता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको किसी भी डिजीज के अगेंस्ट बचाने का काम करता है वैक्सीन्स। वैक्सीन इज, वैक्सीन क्या होता है? ये इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस होते हैं, ठीक है ना, इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस। बीसीजी वैक्सीन का नाम तो बहुत ज्यादा सुना होगा आपने, प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट। तो बीसीजी वैक्सीन क्यों लगाया जाता है? किसको बचाने के लिए? ट्यूबरक्लोसिस को, टीबी को बचाने के लिए जो है बीसीजी वैक्सीन का लगाया जाता है। एलोग्राफ्ट इज ए, एलोग्राफ्ट क्या होता है? एलोग्राफ्ट होता है ग्राफ्टिंग इन बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है। एलोग्राफ्ट क्या होता है? ग्राफ्टिंग इन बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, उसे हम एलोग्राफ्ट कहते हैं।
Nowadays, कॉर्निया ट्रांसप्लांट इज़ वेरी पॉपुलर. द रीज़न इज़ दैट. रीज़न क्या होता है? देखो, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर हमें आँखों में प्रॉब्लम है, हमें दिखाई नहीं देता है. फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आई स्पेशलिस्ट के पास, वो उनका कॉर्निया ट्रांसप्लांट करता है. तो क्यों करता है? रीज़न क्या होता है? जो कॉर्निया होता है इज़ ए वैस्कुलर, ठीक है, इसी वजह से वो ट्रांसप्लांट किया जाता है. DPT वैक्सीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एक्टिव इम्यूनिटी होती है. एक्टिव इम्यूनिटी की एग्जाम्पल आता है जो आपका DPT वैक्सीन होता है. अगर हम बात करें जो इम्यूनाइजेशन होता है, इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? ये मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है. ट्रू स्टेटमेंट अबाउट हेपेटाइटिस बी, आपने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का नाम भी सुना होगा. ये प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये ट्रू है. ई कोली प्रोड्यूस्ड ई कोली, ये गलत है. फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन, ये भी गलत है. होल पैथोजन इज गिवन, ये भी गलत है. देखिए, जो आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर. तो इसीलिए ये आपको अच्छी तरह से रिवाइज़ करना होगा. अगर आपको एक बार कुछ समझ में ना आए तो आप नेक्स्ट उसको जब रिवाइज़ करोगे तो इंशाल्लाह आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा. कॉन्जेनिटल डिजीज़ क्या होते हैं? कॉन्जेनिटल डिजीज, डिजीज़ प्रेजेंट बाय बर्थ, जो डिजीज़ बाय बर्थ होते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्जेनिटल डिजीज, ठीक है. देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इंडिविजुअल्स विद ए कैरोटाइप ऑफ 45 क्रोमोसोम. थोड़ा इसको देखना अच्छी तरह से. इंडिविजुअल विद ए कैरोटाइप ऑफ 45 क्रोमोसोम्स, 44 ऑटोसोम्स एंड वन सेक्स क्रोमोसोम्स हैव बीन फाउंड टू सफरिंग फ्रॉम द एबनॉर्मलिटी कॉल्ड फीमेल डिसजेनेसिस आर, या उसको हम क्या कहेंगे? टर्नर सिंड्रोम. या क्या कहेंगे? टर्नर सिंड्रोम. एक पर्सन है, हैज लॉन्ग लेग्स, उसकी लंबी लंबी टांगे हैं. फीमेल लाइक उसकी अपेयरेंस है, विद उसको ब्रेस्ट भी होगा जिसको हम कहते हैं गाइनिकोमेस्टिया, और स्टरलाइल होता है. विल हैव वन ऑफ द जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट्स, तो उसको होता है XXY. क्या होता है? XXY, ठीक है. तो ये आप समझ गए ना, ये लंबी टांगे, ये जो होते हैं हम कहते हैं यूनिच, जो कहते हैं आपने देखा होगा ना ट्रेन्स के अंदर, जब खासकर मैंने देखा है जो जब मैंने सफ़र किया ट्रेन्स के अंदर, अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, वो नहीं आते रहते हैं वो. नंबर ऑफ बार बॉडी प्रेजेंट इन ए फीमेल चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम, ये होता है एक, ठीक है. कितने होते हैं? एक इसका आंसर आएगा. मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन कॉन्जेनिटल इन मेल चिल्ड्रन इज, ये होता है डाउन सिंड्रोम. क्या होता है? डाउन सिंड्रोम. थैलासीमिया इज ड्यू टू, थैलासीमिया जो होता है ये किसकी वजह से होता है? थैलासीमिया जो होता है डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है. क्या होता है थैलासीमिया? थैलासीमिया किसकी वजह से होता है? जब बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है हीमोग्लोबिन की, वो डिक्रीज हो जाती है उसका सिंथेसिस, तो उसको हम कहते हैं थैलासीमिया. ट्राइसोमिक ऑटोसोमल कॉन्जेनिटल डिजीज इज, वो होता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है. अब आता है क्लिफ्टन सिंड्रोम क्या होता है? इसको हम कहते हैं 44+XXY, ये होता है क्लिफ्टन सिंड्रोम. ऑटो इम्यूनिटी अगेंस्ट अ सिनोवियल मेम्ब्रेन एट जॉइंट इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है. ऑटो इम्यूनिटी अगेंस्ट द सिनोवियल मेम्ब्रेन एट जॉइंट इज कॉल्ड रिमेटॉइड आर्थराइटिस. वायरल टेस्ट इज एम्प्लॉयड फॉर डिटेक्टिंग, वायरल टेस्ट क्यों कहा जाता है? कौन सी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए? टाइटफाइड को,
चेक करने के लिए, टाइट फाइट देखने के लिए जो वायरल टेस्ट है उसका ही जो है वो टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है। विच इज़ एन इन्फेक्टियस डिजीज़। देखो कॉरोनरी थ्रोम्बोसिस ये इन्फेक्शन डिजीज़ नहीं है। डिप्थेरिया जो होता है, डिप्थेरिया आता है इन्फेक्शन डिजीज़ का। डायबिटिक मेल्टस जो होता है, डायबिटीज़ जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ये भी नहीं है। हाइपरटेंशन जब आपका प्रेशर ज़्यादा हो जाए ये भी नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा डिप्थेरिया जो होता है ये एक इन्फेक्टियस डिजीज़ होता है। अब डिप्थेरिया जो है इज़ कनेक्टेड विद ये किसकी इसके किसके रिलेटेड जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है डिप्थेरिया से, तो वो होती है थ्रोट से, ठीक है थ्रोट। विच डिजीज इज कॉज्ड बाई यर्सिनिया पिस्टिस, तो वो होता है प्लेग, जो हम कहते हैं ताउन की बीमारी। क्या बोलते हैं? ताउन की बीमारी, नाम सुना होगा आपने इसको, हम बोलते हैं प्लेग। अब आता है शिक टेस्ट। चिक टेस्ट जो होता है इज एसोसिएटेड विद ऑकॉर्नी बैक्टीरियम डायप्थेरिया। डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, डेंगू फीवर किससे ट्रांसमिट होता है? यहाँ पे है एडिस एजेप्टी, एडिस डोनोविनी। अब जो एडिस डोनोविनी है इससे ही ट्रांसमिट होता है डेंगू फीवर। उसके बाद होता है प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज, जो प्लाज्मोडियम होता है क्या वो फीमेल एनोफेज मॉस्कीटो वो इंटर होता है? नहीं, वो स्पोरोजाइट, एज ए स्पोरोजाइट जो इंटर होता है बॉडी के अंदर जब मलेरिया होता है, ठीक है। टॉक्सिन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर ड्यूरिंग मलेरिया, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हीमोजोइन, ठीक है हीमोजोइन उसे क्या कहते हैं। एड्स इज ड्यू टू, क्या आप जानते हैं एड्स किस वजह से होता है? जी हाँ, रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स। जब जिसको एड्स हो जाता है उसमें जो हेल्पर टी सेल होते हैं उसकी रिडक्शन हो जाती है, इसी वजह से जो है उसको एड्स हो जाता है। द बेस्ट डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज डन बाई, बेस्ट जो होता है वो होता है बायोप्सी, ठीक है ना। बायोप्सी जो है सबसे बेस्ट डायग्नोस है किसके लिए? कैंसर के लिए। कैरेसिनोमा इज ए कैंसर ऑफ, जब एक्टोडोम और एंडोडोम को अफेक्ट हो जाता है उसको हम कहते हैं कैरेसिनोमा, ठीक है। बोलते हैं ना सिकल का कैंसर। कैंसर सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद इन्वेजन ऑफ लोकल टिश्यू ये भी होता है, स्प्रेडिंग टू अदर बॉडी पार्ट्स, बिल्कुल। तो ये ऑल ऑफ द इबो जो है इसका आंसर आएगा। कैंसर सेल्स जो होते हैं ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है सेल्स की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर, जिसको थायराइड कैंसर हो जाए तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा I31, ठीक है ये इसका आंसर आएगा। कैरसिनोमा रेफर्स टू, देखो कैरसिनोमा को जो है दूसरा नाम क्या कहते हैं? मैलिग्नेटेड ट्यूमर ऑफ द स्किन, ठीक है ना, ये कहते हैं कैरसिनोमा को दूसरा नाम इसका यही है। जी कैंसर सेल्स आर मोर इजली डिमेजेड बाई रेडिएशन देन नॉर्मल सेल्स बिकॉज दे आर अंडर गोइंग रैपिड डिविजन। कैंसर सेल्स जो होते हैं ना ये इजली डिमेज हो जाते हैं जब उनको हम रेडिएशन करते हैं देन नॉर्मल सेल्स, क्यों? क्योंकि ये रैपिड डिविजन इनके अंदर होती है इसीलिए। एड्स इज कॉज्ड बाई एच आई वी दैट प्रिंसिपली इन्फेक्ट T4 लिम्फोसाइट, ठीक है। एड्स जो होता है कॉज बाई एच आई वी होता है, ये इन्फेक्ट करता है T4 लिम्फोसाइट्स को। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज, कैंसर की ट्रीटमेंट देखो रेडिएशन से भी होती है, सर्जरी से भी होती है, कीमोथेरापी से भी होती है, तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर आएगा। कॉज़ेटिव फैक्टर ऑफ कैंसर इज कॉल्ड, जो कॉज़ेटिव फैक्टर होता है कैंसर का उसे कहा जाता है कार्सिनोजेंस, क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड इन एच आई वी, जब न्यूक्लिक एसिड हो एच आई वी के अंदर उसे हम कहते हैं SSRNA, क्या कहते हैं? SSRNA। सरकोमा इज कैंसर ऑफ मीजोडर्मल टिश्यू, ठीक है। जो सरकोमा होता है कैंसर किसका होता है? मीजोडर्मल टिश्यू का होता है कैंसर, उसे हम सरकोमा कहते हैं।
विच इज नॉट कैंसर। देखो जो लिक्यूमिया है ये कैंसर होता है, कार्सिनोमा कैंसर होता है, सरकोमा कैंसर होता है, ग्लूकोमा कैंसर नहीं होता है। ब्लड कैंसर किसे कहते हैं? ल्यूकीमिया को कहते हैं ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया को कहते हैं ब्लड कैंसर। टोबैको च्यूइंग रिजल्ट इन, जो तंबाकू, अगर आप ज़्यादा तंबाकू खाओगे तो आपको माउथ का कैंसर हो सकता है, इसीलिए आप तंबाकू अगर खा रहे हैं तो आप मत खाइए, ठीक है। अगर एक बंदा शराब पिएगा तो उसका जो ब्रेन का पार्ट होगा वो अफेक्ट होगा। कौन सा ब्रेन का पार्ट अफेक्ट होगा? वो होगा सेरिब्रम, ठीक है ना, इसलिए शराब मत पियो। ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वो होता है पेपिवर सोमनीफर, ये भी बड़ी खतरनाक बीमारी होती है जो ये नशा करता है, ठीक है। मार्जुआना, गांजा एंड LSD आर, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें नारकोटिक नहीं कहा जाता है बल्कि इन्हें हेलुसिनोजेंस कहा जाता है, ठीक है ना। मार्जुना आपने देखा होगा खासकर कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, गांजा तो नहीं होता है यहाँ पे, LSD भी नहीं होता है, और मार्जुना की खेती बाड़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हेलुसिनोजेंस। इन अल्कोहलिक जो लीवर गेट डैमेज्ड एज इट एक्यूमुलेट्स एक्सेस ऑफ फैट्स, ये इसका आंसर आएगा। LSD इज ऑब्टेनड फ्रॉम, जो LSD होता है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? वो होता है क्लेविसिप से। कैनाबिस सेटिवा हिम्प यील्ड्स, ये इससे बंग, गांजा, चरस, ऑल ऑफ द इबो, ठीक, कैनाबिस सेटिवा। अगर हम बात करें लीवर की, जो अल्कोहल होता है वो कन्वर्ट होता है टू विच टॉक्सिक सब्सटेंस, तो वहाँ पे लीवर के अंदर एसिटाइल एल्डिहाइड जो है वो बनता है। कोकीन इज डिरीव्ड फ्रॉम, जो कोकीन होता है वो कहाँ से डिरीव होता है? वो होता है एरिथ्रोजैलून कोका, यहाँ से जाके कोकीन जो है ये भी बड़ा खतरनाक होता है। द ड्रग्स विच आर कॉमनली एब्यूज आर ओपोइड, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स, मेजॉरिटी ऑफ दिस आर ऑब्टेन्ड फ्राम डैश डैश, वाइल सम आर ऑब्टेन्ड फ्राम, देखो, फ्राम फ्लोरिंग प्लांट्स एंड सम आर ऑब्टेन्ड फ्राम फंजे। ये जो आपको डायग्राम दिख रही है, डायग्राम इज शोइंग स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ, ये किसका स्केलेटन स्ट्रक्चर है? ये है कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये अब यहाँ पे आपको मार्क करना है करेक्ट, जो ही मैच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है पहला, लीव्स ऑफ कैनबिस सेटिवा, क्या ये सच है? ओपियम पॉपी ऑफ डेटोरा, तो आपको ये दिखाना है कौन सा सही है। देखो यहाँ पे है, विच मेजर्स वुड बी पार्टिकुलरली यूज फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज एमंग एडोसेंट। अगर हम एडोसेंट्स की बात करें, यहाँ पे दिए गए कौन से मेजर्स हैं जिससे आप कंट्रोल और प्रिवेंट कर सकते हैं एडोसेंट्स को बचने के लिए ड्रग एब्यूज से और शराब से? अवॉइड अंडर पीर प्रेशर, पीर प्रेशर से अवॉइड करना, क्या ये सही है? दूसरा है सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, देखो अवॉइड करना है अनड्यू पीर प्रेशर। दूसरा है सीकिंग ऑफ प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, ये भी ठीक है। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, ये भी देखना है। एजुकेशन एंड काउंसलिंग भी करनी है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, ये भी ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ABCDE। ये जो है ये आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका कोई छोटा भाई या आपका कोई कोई भी रिलेटिव जो है उसको ड्रग्स का वो शिकार है, अल्कोहल का वो शिकार है, तो आप इन पाँच छः चीज़ों को देखिएगा और उनको बच्चों को बचाइएगा, ठीक है। तो ये था आज का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के ऊपर, और इसमें एक पार्ट रह चुका है, वो है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। इसमें हम लाएंगे क्वेश्चन और सब बहुत सारे क्वेश्चन,
ताकि इससे, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस लेक्चर से। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ टीचिंग बायोलॉजी में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।